सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार आई जेल से बाहर। कार्यकर्ताओं और परिजनों ने उनका स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। आपको बता दें कि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। लगभग 60 दिनों बाद वो जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की रेड खास तौर पर विपक्षी एमएलए और मंत्री पर होती है। चुनाव कैंपेन चलेगा अब जोरों शोरों पर। उन्होंने कहा कि अब सोनीपत की जनता खुद चुनाव लड़ेगी और अब जेल से सीधा वैष्णो देवी जाकर वे माँ का आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनीपत के कांग्रेसी विधायक को ईडी ने गिरफ्तार किया था और पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर अम्बाला की जेल में भेजा था, जिसका केस चल रहा था। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने उन्हें केस से बरी कर दिया और वे जेल से बाहर आए तब कार्यकर्ताओं और परिजनों ने उनका स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। आपको बता दें कि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। लगभग 60 दिनों के बाद वे जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की रेड खास तौर पर विपक्षी एमएलए और मंत्री पर होती है। अब चुनावी कैंपेन जोर शोर से चलेगा और सोनीपत की जनता खुद चुनाव लड़ेगी और वो जेल से सीधा वैष्णो देवी जाकर माँ का आशीर्वाद लेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भाजपा ने ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार करवाया गया था, आज साजिश के तहत आज माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उसमें आपने देखा तो किस तरीके से जो ये तानाशाही चल रही है बीजेपी की। मैं तो यही कहूँगा कि आज पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को ये दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से ईडी द्वारा ये लोगों को, खासकर जो है पॉलिटिशियन को, जो विपक्ष के पॉलिटिशियन हैं उनको ये अरेस्ट कर रहे हैं, टारगेट पर कर रहे हैं। तो कैसे चुनाव कैंपेन चलेगा? देखिए, चुनाव जो है सोनीपत, मैं सोनीपत से प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी का, और सोनीपत की जनता जो है देवतुल्य जो जनता है वो लगातार जो है चुनाव लड़ रही थी और से भी कोई ये इंतजार था कि भाई कब मैं बाहर आऊँ। बाकी मुझे सोनीपत की देवतुल्य जनता पे विश्वास है कि वो दोबारा आशीर्वाद देंगे। उन्होंने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया और मैं लगातार उनकी सेवा कर रहा हूँ और मैं अपने सोनीपत विधानसभा की जनता का जो है 7 जन्मों तक भी एक एक खून का कतरा जब तक शरीर में है मैं उनका आभारी रहूँगा। देखिए, मैं अभी जो है मैं माता वैष्णो देवी दरबार। देखिए जी, ईडी पवार साहब को पहले भी इस केस में तफ्तीश के लिए बुलाती रही थी और ये हमेशा जाते थे और सहयोग करते थे ईडी का तफ्तीश में। 19 जुलाई को भी इनको सम्मन करके बुलाया, ये ईडी को तफ्तीश में शामिल जांच हुए थे, वहाँ उनका सहयोग करने गए थे, लेकिन ईडी ने रात को ऑल ऑफ दी सडन इनको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद 20 जुलाई को यहाँ पे इनको पेश किया। और हमने पहले दिन पेश करते ही कोर्ट में अपनी मांग उठाई थी कि भी इनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल है, इनका अरेस्ट सस्टेन नहीं करता, क्योंकि उससे पहले जो नो FIR दर्ज हुई थी उसमें भी इनका कहीं बाई नेम कहीं भी उनका नाम नहीं था। तो जब उनका FIR में नाम नहीं है तो ईडी केस इनके खिलाफ नहीं बन सकता। ये टोटली पॉलिटिकल एक वेंडेटा था इनके खिलाफ और इसलिए इनको अरेस्ट किया था। और माननीय अदालत ने इनको 9 दिन का रिमांड दिया था, फिर उसके बाद 29 के बाद 3 दिन का रिमांड दिया था। इन सारी चीज़ों को हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया एंड हाईकोर्ट ने उन सारी चीज़ों को संज्ञान लेते हुए वो सारे ऑर्डर्स और इनका अरेस्ट टोटली अनलॉफुल अरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है और अब जो रिमांड ऑर्डर्स थे वो भी क्वेश्चन कर दिए हैं सर। नहीं, वो कोई वो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कई बार ऑर्डर में करेक्शंस वगैरह होती है तो उसकी में कोई ऐसी वो नहीं है।